सफलता का कोई मंत्र नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। अगर आपको एक लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो उसका बस एक रास्ता है, वो है आपका परिश्रम यानी मेहनत। आप देख लो ना उठाकर, कोई भी अगर आप जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं आज के डेट में, कोई ऐसा लोग नहीं है जो ट्रिक के भरोसे में या फिर कोई शॉर्टकट के भरोसे में जो आज एक अपना अलग पहचान बनाया है, कोई नहीं मिलेगा। तो आपको भी ना अपने मेहनत के ऊपर विश्वास होना चाहिए, ठीक है। और इसे क्लास को स्टार्ट करूंगा। और सक्सेस की 98 चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपके फोन पर मिलता रहे। और इस क्लास का जितना भी पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि लिंक जो है वो टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको रेलवे, बैंक और SSC किसी भी एग्जाम का बेस्ट मॉक टेस्ट देना है, आप एक दो मॉक टेस्ट फ्री है, आप जाकर देख लेना, तब आपको समझ में आएगा भैया जो क्वेश्चन का पैटर्न बनाया गया है वो पूरा न्यू पैटर्न के बेस में, जो हम सभी को बहुत फायदा देने वाला है। तो आप लोग मॉक टेस्ट कहां से दे सकते हैं? सक्सेस की 98.net से, ठीक है। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग, उसके पहले एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिए। और आज क्रैश कोर्स का कितना नंबर क्लास है? 10 नंबर क्लास है मैथ का, और परसेंटेज का पार्ट 2 है। इसके पहले कोई भी क्लास मिस हुआ है तो प्लेलिस्ट एक बार आप चेक कर लीजिएगा, आपको हर एक क्लास लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। और आज कवर करेंगे हम लोग आपके 15 जुलाई के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है कि स्विस ब्रोकरेज फर्म UBS द्वारा भविष्यवाणी की गई है कि वर्ष 2019 और 20 के लिए जो भारत का जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसकी विकास दर क्या होने वाली है, आपको बताना है। और वो होने वाला है आपका 6.7%, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, आता है तो छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। मैं पीडीएफ भी दे रहा हूं। और एक बात, सुबह में 10 बजे आपका करेंट अफेयर रिवीजन का भी क्लास चल रहा है ताकि करेंट अफेयर में आप पूरा नंबर उठा पाओ। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपको बताना है फोर्ब्स वर्ल्ड की सबसे ऊंची भुगतान वाली मनोरंजन सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय स्टार का नाम क्या है। कहने का मतलब है सबसे हाईएस्ट, जिनको सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है, वो इंटरटेनर या बोल सकते हो मनोरंजन करने वाली सूची में इंडिया से टॉप पर कौन है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो इंडिया से टॉप पर है फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार वो है आपका अक्षय कुमार। इनका जो रैंक है विश्व में कितना है? 33 है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, आपके माइंड में आ रहा होगा भैया टॉप पर कौन है, तो टॉप पर कौन है? टॉप पर है आपका टेलर स्विफ्ट। तो ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। टॉप याद नहीं भी रखेंगे ना, आप याद रखिएगा इंडिया से कौन है, तो इंडिया से अक्षय कुमार जो है वो टॉप पर है, ठीक है। और टेलर स्विफ्ट जो है वो नंबर 1 पर है पूरे विश्व भर में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रसिद्ध संगीतकार और गायक जिनका नाम क्या है, जाओ गिलबर्टो का हाल ही में निधन हो गया है, ये किस देश से जुड़े हुए थे, आपको बताना है। और ये बहुत प्रसिद्ध संगीतकार हैं और गायक थे, आपको पता होना चाहिए, बहुत फेमस नाम है। और ये किस कंट्री से जुड़े थे जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है? ये ब्राजील के रहने वाले थे। और ब्राजील का कैपिटल क्या है? तो ब्रासिला। वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल की जाती है, करेंसी? तो ब्राजीलियन रियल। और वहां के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है? तो जेर बोलसोनारो, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं सुबह 4:30 बजे वाले क्लास में ना ये टॉपिक मैं आपको क्लियर करवाता हूं ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए पीएम प्रेसिडेंट से, तो आप छोड़ कर ना हो। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि विश्व बैंक समूह की पहली महिला CFO कौन है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CFO का मतलब क्या होता है भैया? तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और ये पहली महिला है, आपको ये मैं बता दूं, क्लियर कर दूं ये चीज। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका अंशुला कांत, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है आपका डेविड मालापास, एग्जाम में आ चुका है, आ सकता है दोबारा।
और वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है, तो वो है आपका वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में, और यूनाइटेड स्टेट का कैपिटल भी आपका कहां पर है, तो वाशिंगटन डीसी है। और यूनाइटेड स्टेट में मुद्रा क्या इस्तेमाल होती है, तो डॉलर, और वहां के राष्ट्रपति कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, पश्चिम बंगाल सरकार ने सुरक्षित जल दिवस कब मनाया है। वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उनके द्वारा एक डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया है और नाम क्या दिया गया है, सेव वाटर डे। ये कब मनाया गया और ये कब मनाया जाएगा प्रतिवर्ष, तो ये मनाया जाएगा आपका 12 जुलाई को प्रतिवर्ष। और सीएम बता चुका हूं कौन है, ममता बनर्जी, कैपिटल कोलकाता, और बंगाल के जो गवर्नर है वो कौन है, केसरीनाथ त्रिपाठी। ठीक है, पॉइंट कट टू कट हो गया, क्लियर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में किंस बैंक ने आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस पर लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया है, ऐसा कौन सा बैंक है जो ये किया है। जैसे आप कोई भी पैसा भेजते हैं, आरटीजीएस करते हैं, नेफ्ट करते हैं, तो आपको उस पर बिल्कुल भी जो चार्जेस है वो नहीं लगने वाला है, ऐसा करने वाला कौन सा बैंक है, तो वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेट बैंक का चेयरमैन कौन है, तो याद रखिएगा रजनीश कुमार, हेड क्वार्टर मुंबई, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन क्या है, तो विथ यू ऑल द वे, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, द नेशन बैंक ऑन अस। ये आप टैगलाइन भी याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सौर पार्क में किस कोयला संयंत्र को चालू किया गया है, यानी आपको बताना है ऐसा कौन सा कोयला का प्लांट है जिसको टर्न, जिसको बदल दिया गया सोलर पार्क में, वो कौन सा कोल प्लांट है, तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं। और वो है आपका राजघाट कोयला संयंत्र, ऑप्शन नंबर डी, राजघाट कोल प्लांट, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। और ये कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका दिल्ली में, राजघाट कोल प्लांट कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका दिल्ली में। और दिल्ली के सीएम का नाम सभी को पता है, क्या है भैया, तो दिल्ली के सीएम का नाम है अरविंद केजरीवाल, और वहां के जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है, अनिल बैजाल। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की नींव किस शहर में रखी जाएगी, यानी विच सिटी द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर विल बी लेड, और यह बनाया जाएगा आपका पटना में। और पटना कहां पड़ता है, तो यह पड़ता है बिहार में, बिहार के सीएम कौन है, नीतीश कुमार, कैपिटल पटना, और वहां के राज्यपाल कौन है, लालजी टंडन। राइट, अगला प्रश्न हमारे सामने है, एसेंचर, जो एसेंचर है उसके नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी किसे अपॉइंटेड किया गया है एस एस सीईओ ऑफ एसेंचर कंपनी का, तो नाम बताना है, और उनका नाम क्या है, अंशुला कांत, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर क्या है, इसका नाम है जूली स्वीट, ऑप्शन नंबर ए, यहां आपको मैं मार्क कर दे रहा हूं, याद रखिएगा, आंसर क्या है आपका, आंसर है आपका जूली स्वीट। और एक बात मैं बता दूं, बहुत जन को लगता है एसेंचर जो है वो इंडिया की कंपनी है, लेकिन मैं बता दूं जो एसेंचर है ना वो आयरलैंड की कंपनी है, और एसेंचर का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो डबलिन आयरलैंड में। और आज का आपका पहला प्रश्न है, आपको डबलिन तो मैंने बता दिया, आपको बताना है आयरलैंड का जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है आयरलैंड में, वो आयरलैंड का मुद्रा है क्या, ये आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में सोमेंद्र नाथ कुंडू का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, और बता दूं जिनका निधन हुआ है सोमेंद्र नाथ कुंडू का, वो एक क्रिकेटर थे, यानी वो स्पोर्ट खेल से जुड़े हुए थे, और वो वेस्ट बंगाल में रणजी ट्रॉफी खेलते थे, और वो एक लेग स्पिनर थे। तो याद रखिएगा, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनता है कि कौन फेमस जो है वो उनका हाल में निधन हुआ है, तो याद रखिएगा सोमेंद्र नाथ कुंडू का हाल में जो निधन हुआ है वो खेल से जुड़े हुए थे, और वो वेस्ट बंगाल में लेग स्पिनर थे रणजी ट्रॉफी में, क्रिकेट में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य में 1076 यानी 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू की गई है, जो लोगों को अपनी शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाएगी, यानी अब अपना उस स्टेट में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पर कॉल कर अपना कंप्लेन जो है, शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं,
ये हेल्पलाइन नंबर देने वाला कौन सा स्टेट है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, राम नायक, कैपिटल लखनऊ, और सीएम सभी को पता है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 15 जुलाई के, और पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और मॉक टेस्ट अगेन मैं बोलूंगा जरूर दीजिएगा, ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ आपकी तैयारी कैसी है। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।